हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी नो हनी स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग जनरल साइंस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस मैंने रेलवे में आए हुए क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। 2018 में रेलवे ALP में आए हुए सभी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, तो सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखिएगा 25 क्वेश्चंस में से कितना आपका स्कोर होता है, कितना आप सही कर पाते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोज आपको डेली मिल सकें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अपने बाएं हाथ में पेन पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है, ये निम्न में से किस कारण से होता है। तो जब हम मिरर में, दर्पण में कोई चीज देखते हैं तो वो उल्टी दिखाई देती है। अगर कोई चीज बाईं तरफ है तो वो दाईं तरफ दिखाई देती है, दाईं तरफ है तो बाईं तरफ दिखाई देती है। मान लीजिए आपके माथे पर कोई चोट का निशान है, अगर बाईं तरफ है तो वो दाईं तरफ दिखाई देगा, दाईं तरफ है तो बाईं तरफ दिखाई देगा। ये किस कारण से होता है? तो ये होता है पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण, जिसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन या पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, पार्श्व व्युत्क्रमण। और दर्पण में अगर मान लीजिए 1 मीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको पूरी तरह से देखना है, उसका पूरा प्रतिबिंब हमें दर्पण में देखना है, तो दर्पण कितना ऊंचा होना चाहिए ये भी पूछा जाता है। तो दर्पण उससे आधा लंबाई का होना चाहिए। अगर 1 मीटर के ऑब्जेक्ट को हमें देखना है मिरर में, तो मिरर की ऊंचाई कम से कम आधा मीटर होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक दोगुना किया जाता है। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½mv². ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि v का मान अगर दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या है? ½mv² और इसको दोगुना कर दें v का मान, m तो वही रहेगा, v का मान यानी दोगुना कर दें, 2v कर दें, तो 2v² हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 1/2 m और 2² 4 और v². तो यहाँ पे अगर इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे दोगुना नहीं था, इससे कंपेयर करेंगे तो ये हाफ और m कट जाएगा और v² कट जाएगा। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा कितनी है? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितनी है? 4 है। तो यहाँ पे दोगुना करने पर क्या हो गई? 4 गुना हो गई। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 4 KE हो जाएगा। अगर पहले KE थी तो अब जो है 4 KE हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है? तो किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और ये किसके बराबर होता है? गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशन फोर्स, ये किसके बराबर होता है? ये दो पिंडों का जो द्रव्यमान है, दो पिंड है मान लीजिए, एक का द्रव्यमान m1 है और दूसरे का m2 है, और उनके बीच में जो दूरी है, ठीक है, उनके बीच में जो दूरी है वो r है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? m1 × m2/r² और यहाँ पे जी से, इसको कैपिटल जी से गुणा कर देते हैं। कैपिटल जी क्या है? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट इसको कहते हैं। और इस जी की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी कैवेंडिश। और जी का मान अगर पूछा जाए तो जी का मान होता है, कैपिटल जी का मान क्या होता है? 6.67 × 10⁻¹⁻ Nm² / kg². तो इसकी SI यूनिट भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है Nm² / kg², और ये होता है जी का मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? तो अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, तो ये अम्ल का गुण होता है, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। अम्ल का गुण नहीं है ये पूछा गया है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, तो ये भी अम्ल का गुण होता है। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, तो अम्ल का स्वाद कड़वा नहीं होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अम्ल का गुण नहीं होता है। ये किसका गुण होता है? ये क्षार का गुण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, तो ये भी अम्ल का ही गुण होता है। अगला क्वेश्चन है,
यदि कोई वस्तु त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में 30 सेकंड का समय लेती है तो वेग निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है। तो मान लीजिए कोई वस्तु है वो वृत्ताकार पथ पर इस तरह से मोशन कर रही है, वृत्ताकार पथ पर मोशन कर रही है, तो ये सर्कुलर मोशन में अगर गति करेगी तो इसका वेग क्या होगा, इसका जो वेग होता है उसको कहते हैं कोणीय वेग, कोणीय वेग जिसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, ये जो दूरी तय की गई यहां से यहां तक इसको क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन, और इसको प्रदर्शित करते हैं क्यू से, तो कोणीय विस्थापन बटे समय, ठीक है, क्यू अपॉन टी, डब्ल्यू इज्कल टू क्यू अपॉन टी, कोणीय विस्थापन बटे समय, ठीक है, तो डब्ल्यू इज्कल टू क्यू अपॉन टी। तो यहां पे कोणीय विस्थापन कितना होगा, जितना इसकी परिधि है, ठीक है, तो परिधि क्या होगी, टू पाई आर के बराबर, ठीक है, अगर त्रिज्या आर है तो टू पाई आर इसकी परिधि होगी, और इसको समय से टी से हम डिवाइड कर देंगे तो टू पाई आर अपॉन टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वी बराबर कोणीय वेग बराबर क्या हो जाएगा, टू पाई आर अपॉन टी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है एक प्रतिरोधक में से विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है, एक स्रोत प्रतिरोधक में वी का विभवांतर बनाए रखता है, समय टी में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। तो विद्युत शक्ति यानी कि पी बराबर होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा बटे समय यानी कि टी। तो हमें यहां पे निकालना क्या है, ऊर्जा की मात्रा निकालना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर पी इंटू टी, पी गुणे टी हम लिख सकते हैं, और P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है V इंटू आई, तो V आई इंटू टी भी हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी V आई टी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। तो स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक यानी कि रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं, रसवेदी अभिग्राहक, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, रसवेदी अभिग्राहक, या इसको इंग्लिश में कहते हैं गस्टेटरी, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, तो यहां पे ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब वस्तु को पी और एफ के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाएं। तो एक अवतल दर्पण है इस तरह से, एक अवतल दर्पण है, ठीक है, ये इसका पी है, यहां पे पोल होता है इसका, ठीक है, और पी और एफ के बीच में रखा जाएगा, एफ यहाँ पे कहीं पे होगा, तो एफ क्या होता है, ये फोकस बिंदु होता है, और ये क्या होता है, ये जो अवतल दर्पण है ये जो है ये गोलाकार कोई कांच का टुकड़ा होगा उससे बनाया गया होगा, इधर पॉलिश कर दी गई होगी, ठीक है, तो जो गोलाकार कांच का टुकड़ा है इसका कहीं पे सेंटर रहा होगा अगर पहले, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए सेंटर रहा होगा जिसको कहते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो वक्रता केंद्र और पोल के बीचों बीच में जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक है, तो फोकस बिंदु और पोल के बीचों बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए इस तरह से तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी स्थिति का यहाँ पे बताना है कैसे बनेगा। तो जब यहाँ पे कोई वस्तु रखी होगी तो ये जो प्रकाश की किरण जाएगी इसे वो यहां से परावर्तित होकर के ऐसे वापस आएगी और इसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, दर्पण के पीछे इस तरह से बनेगा, ठीक है, यहां पे कहीं पे ऐसे इसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, और ये वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से हमेशा बड़ा होगा और आभासी होगा। अगर इस तरफ बनता जब किरण परावर्तित होकर के आती सीधा और यहाँ पे कोई प्रतिबिंब बनाती वो जो है वास्तविक प्रतिबिंब होता और उल्टा होता, लेकिन यहाँ पे हम एक इमेजिनरी लाइंस के द्वारा यहाँ पे मिला रहे हैं और ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रतिबिंब इसका बन रहा है, तो ये क्या है, आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, रियल इमेज जो होती है वो हमेशा उल्टी होती है, तो यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा, ठीक है, और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये एक कंडीशन केवल अवतल दर्पण में होती है जिसमें
आभासी प्रतिबिंब बनता है। बाकी जितने भी केस हैं, जैसे यहाँ पे वस्तु को रखा जाए या कहीं भी पीछे रखा जाए, इसके अलावा तो जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा, और वो वस्तु से जो है छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर हम फोकस बिंदु और पोल के बीच में रखेंगे तो हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। तो आवधिक तालिका यानी कि पीरियोडिक टेबल, तो ग्रुप में समूहों में अगर हम नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, सेल की संख्या घट जाती है या बैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, या सेल की संख्या बढ़ जाती है या परमाणविक आकार कम हो जाता है। तो सेल की संख्या जो है बढ़ जाती है, इसका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। तो पहला ही ग्रुप ले लेते हैं, मान लीजिए पहला ग्रुप है, उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, हाइड्रोजन होता है, फिर लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है, और फिर उसके बाद पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम, फिर फ्रांसियम, ये तत्व होते हैं पहले ग्रुप में। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, एक होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक होगा, आखिरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे और एक ही कक्षा बनेगी। लिथियम का परमाणु क्रमांक तीन होता है, तो पहली जो कक्षा होगी, ये मान लीजिए नाभिक है, पहली जो कक्षा होगी उसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और उसके बाद दूसरी जो कक्षा होगी उसमें एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है, ये नाभिक है, तो दूसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। और सोडियम का लेते हैं, 11 है मान लीजिए, ठीक है, तो पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 8, 10 हो जाएंगे, फिर लास्ट वाले में आखिरी कक्षा में, सबसे आखिरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जितना हम नीचे आते हैं कक्षों की संख्या बढ़ती जाती है। यहाँ पे एक कक्षा थी हाइड्रोजन की और लिथियम की, दो हुई, और फिर जो है सोडियम की तीन हुई, आगे अगर करेंगे तो इसका 4 आएगा, इसका 5 आएगा, और तो यहाँ पे सेलों की संख्या जो है, कक्षों की संख्या बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो सेम रह रही है, सब में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सेल की संख्या घट जाती है, तो गलत हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं ये दिया गया है, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन वो समान रहते हैं, सेल की संख्या बढ़ जाती है, ये सही है। परमाणविक आकार कम हो जाता है, यहाँ पे दिया गया है, तो परमाणविक आकार यहाँ पे कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये नाभिक है और ये इसकी कक्षा है, ठीक है, मान लीजिए ये नाभिक है, तो यहाँ से इसकी दूरी ये त्रिज्या हो गई, ठीक है, तो ये इसका परमाणु आकार कम है, इसके बाद इसका और ज्यादा है और इसका और ज्यादा है, क्योंकि इसकी कक्षाएं ज्यादा है, तो परमाणविक आकार जो है यहाँ पे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेल की संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। तो ये 78 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, इसको केल्विन में सिर्फ बदलना है, तो केल्विन में बदलने के लिए हम सेंटीग्रेड जो सेल्सियस वाला पैमाना है उसमें 273 जोड़ देते हैं। तो 78 में अगर हम 273 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 351 केल्विन, ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो एम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n2। एन क्या होता है, कक्ष की संख्या, ठीक है, तो पहली जो कक्षा होती है वो के होती है, दूसरी एल, तीसरी एम, चौथी एन, ठीक है, तो यहाँ पे एन में कक्ष की संख्या लिखनी है, तो एम जो है कौन सी कक्षा है, तीसरी, ठीक है, तो 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 × 2 यानी कि 18, तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम कक्षा में 18 होते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच डैश से कम हो जाता है। तो मुंह के अंदर क्या होता है, सलाइवा यानी कि लार होता है, ठीक है, जिसका नॉर्मल पीएच होता है, नॉर्मल पीएच इसका रहता है 6.2 से लेकर के 7.6 तक इसका जो है पीएच मान रहता है सामान्य तौर पर, ठीक है। लेकिन अगर हम ज्यादा एसिडिक फूड लेते हैं या ज्यादा एसिडिक पेय पदार्थ लेते हैं तो ये इससे कम भी हो सकता है, और अगर 5.5 से कम हो जाए पीएच तो हमारे दांतों में सड़न शुरू हो सकती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा, 5.5 से अगर कम होगा तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है।
एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड इसको कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं उनको कहते हैं अम्लीय ऑक्साइड, और जो ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं, जो ऑक्साइड क्षार बनाते हैं जल से क्रिया करके उनको क्षारीय ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड कहते हैं, और जो जल के साथ क्रिया ही नहीं करते हैं उनको कहते हैं उदासीन ऑक्साइड यानी कि न्यूट्रल ऑक्साइड, और जो ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कर लेते हैं उनको क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड, जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है Al2O3, और इसके अलावा जिंक ऑक्साइड भी, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैस की प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की कोटिंग कर देते हैं, और इस क्रिया को कहते हैं गैल्वनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैल्वनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य प्रवाह के लिए एक ही अंग है जिसे कहते हैं। तो मानव नरों में, मेल्स में जो है, मूत्र और वीर्य प्रवाह के लिए एक ही अंग होता है जिसको क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग। मूत्राशय होता है जिसमें मूत्र एकत्रित रहता है जिसको क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, या इसको हिंदी में कहते हैं मूत्राशय, ठीक है। यहाँ पे एकत्रित रहता है और यहाँ से आता है मूत्र नलिकाओं के द्वारा, या इसको मूत्र वाहिनियां भी कहते हैं। तो मूत्र नलिका द्वारा आता है मूत्र मार्ग में, ठीक है। तो मूत्र वाहिनियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं, ठीक है, यूरेटर के द्वारा आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूत्र मार्ग। अगला क्वेश्चन है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो कोई हथौड़ा है अगर उसको ऊपर ऐसे उठाया गया है, ठीक है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा यानी कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर ऐसे उठाया गया, अगर इसको हम छोड़ दें तो यहाँ पे ये कोई बल लगाएगा, तो ये ऊर्जा जो होती है इसको क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। ये किसके बराबर होती है? mgh। m क्या है? ये जो हथौड़े का द्रव्यमान होगा, और जी क्या है? ग्रेविटी। जब ये छोड़ेंगे तो ग्रेविटी से नीचे आएगी, अगर सिंपल छोड़ दें तो ग्रेविटी से नीचे आएगी, ठीक है। और एच क्या है? जितनी ऊंचाई तक उठाया गया है, तो mgh के बराबर स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, ऊतक क्या होता है? तो ऊतक क्या होता है? तमाम कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनता है, और ये कोशिकाएं जो है मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, तो उन कोशिकाओं से मिलकर के क्या बने होते हैं? उन कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको कहते हैं ऊतक, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दो गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, ये किस कारण से होता है? तो किसी कंडक्टर यानी कि विद्युत चालक का प्रतिरोध अगर दो गुना कर दें तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, ये किस कारण से होता है? तो ओम ने नियम दिया था V=IR, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं I=V/R, ठीक है। तो जो विद्युत धारा होती है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रेजिस्टेंस के, यानी कि प्रतिरोध के। तो विद्युत धारा जितना आप बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना कम होता जाएगा, या रेजिस्टेंस आप जितना बढ़ाएंगे विद्युत धारा उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, I=R/V दिया गया है, अगर R ऊपर रहेगा बटे में नहीं रहेगा तो साथ साथ में बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, बटे में रहेगा तभी ऐसा हो सकता है कि अगर ये बढ़े तो ये कम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे V ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, I=V/R। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो पौधों में जड़, तने और पत्तियों के कुछ हिस्सों के माध्यम से अगर नए पौधे बनाए जाते हैं तो इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं? वानस्पतिक प्रजनन कहते हैं, ठीक है, वानस्पतिक प्रजनन या वेजिटेशनल प्रोपोगेशन कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वानस्पतिक प्रजनन। अगला क्वेश्चन है,
खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों को जब पैक करते हैं तो ऑक्सीकरण के कारण खराब ना हो जाए, क्योंकि ऑक्सीकरण होगा तो चीजें खराब हो जाएंगी, तो इसको रोकने के लिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। ठीक है, आप चिप्स वगैरह के पैकेट में आप देखते होंगे हवा भरी रहती है, तो वो क्या भरी रहती है, वो नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, जिससे ऑक्सीकरण ना हो, ऑक्सीकरण होगा तो वो खराब हो जाएंगी, तो इसीलिए वो कुरकुरे बने रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रकृति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? तो कोई भी वस्तु अगर रुकी हुई है तो वो रुके रहना चाहती है, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और गतिमान है तो उसी गति से गतिमान रहना चाहती है, तो इसको क्या कहते हैं, यह है जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्सिया। ठीक है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है, पहला नियम है, तो इसको क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें जो तत्व थे उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों को ध्यान में रखा था, और इसके लिए जितने भी तत्व थे उनकी जो क्रिया कराई थी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कराई थी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया करा के उन्होंने देखा था, तो हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर हाइड्राइड बनते थे, ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर ऑक्साइड बनते थे, जिन तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड मैच करते थे उनको एक अलग ग्रुप में वो रखते जाते थे। इस तरह से उन्होंने 8 ग्रुप बनाए थे और 6 आवर्त बनाए थे। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो तत्व उनके थे जिसको जिसके द्वारा इन्होंने बाकी तत्वों का अध्ययन किया, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो परजीवी के रूप में पौधे से पोषण कौन प्राप्त करता है? तो पौधों से परजीवी के रूप में ये पौधा है, इसके चारों ओर लिपटा रहता है, ऐसे लिपट करके ये पोषण प्राप्त करता है, वो है कस्क्यूटा। ठीक है, कस्क्यूटा या इसको कहते हैं अमरबेल। ठीक है, तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कस्क्यूटा। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र है, तो प्रोपेन यह हाइड्रोकार्बन है एल्केन ग्रुप का, और इसका आणविक सूत्र होता है C3H8। ठीक है, 3 कार्बन होते हैं और 8 हाइड्रोजन इस तरह से सिंगल बॉन्ड में होते हैं, यानी कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, इस तरह से 8 हाइड्रोजन इस जो है सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, C3H8। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो संकुचित स्लिंकी क्या होता है, ये आप समझ सकते हैं स्प्रिंग की तरह। ठीक है, तो इसको जब संकुचित कर दिया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है, इसको ऐसे दबा दिया जाता है और उसके बाद इसको छोड़ेंगे तो ये कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी? तो जब इसको हम संकुचित कर देंगे तो ये हो जाएगी, इसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, इसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। लेकिन जब इसको छोड़ेंगे तो फिर से ये फैल जाएगी और कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।